हम लुट गए, हाँ लुट गए। यहाँ पर जनाब होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। हम आ चुके हैं दोबारा से स्टेडियम में और अभी इस वक्त जो है वो मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में, और मैच होने वाला है जनाब बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स। सो भाई देखते हैं आज क्या होता है, कौन जीतता है। दोनों टीम बहुत स्ट्रांग है लेकिन मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है, तो अभी देखते हैं मेरी प्रेडिक्शन क्या जा रही है। मेरी प्रेडिक्शन शायद कहीं ना कहीं इस्लामाबाद के हक में जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। वेल इसी तरह से अभी हम आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ आपको दिखाते हैं। क्राउड अभी शोर करने लग गया, वाओ। ओके जी, सर इस वक्त हम लोग क्योंकि पीछे वाले गेट से एंटर हुए हैं तो यहाँ पर सीन कुछ और है। लव यू जी, लव यू, लव यू। अभी लेते हैं भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं जिसमें तालियाँ होनी चाहिए, शोर होना चाहिए और उसी के साथ साथ सीटियाँ होनी चाहिए, करवाते भी। ओके एवरीवन, हम करने जा रहे हैं वही एक्टिविटी जो अनाउंस की थी। सबसे पहले तालियां होनी चाहिए, कम ऑन। इसके बाद सीटियां बजा दो, कम ऑन। और इसी के साथ साथ शोर होना चाहिए। ये देखिए जी, हमारी मीडिया सेल जो है वो भी यहाँ पे काम शाम जारी है, उनका भी अभी कुछ ही देर में बाकी चीज़ें भी होंगी जो है। मैच की सूरत हाल आपको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। छक्के चौके लगना शुरू हो चुके हैं, मैच शुरू हो गया है। पहली बारी जो है वो कराची किंग्स जो है वो खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, और इस्लामाबाद जो है वो बॉलिंग कर रहा है। भैया देखिए, मुकम्मल लिबास में ये मौजूद है हमारी मशीनरी, और बारिश से बचने के लिए अभी जो है ना इसको किया गया, लेकिन ये ग्रास को बचाते और रस्टिंग से बचने के लिए इसको कवर किया जाता है ताकि कोई नमी शमी जो है ना इसमें ना आए। और ये रोलर्स होते हैं जो कि पानी वाइप आउट करने के लिए जो है ना, ये फोम लगा हुआ है ना, कैसे इसमें ये फोम लगा है, हाँ पानी शानी जो है ना इससे सुखाया जाता है ये मशीन से। हमारा बेहतरीन क्राउड, रावलपिंडी की जान, रावलपिंडी की शान, दीस आर द बेस्ट क्राउड। भाई आज तो बड़े प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे भी आ चुके हुए हैं, क्या बात है जी। यासिर अरफात वालों, लास्ट टाइम आप जीते थे, आपको चैलेंज दिया है हमारे बिल्कुल सामने ही सुहेल तनवीर वाले, उन्होंने कहा इनको सिर्फ हम ही हरा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ले जी यासिर अरफात वालों, 1 2 3। सुहेल तनवीर वालों, 1 2 3। क्या हो गया इनका? इस वक्त मैच जारी है और ये है हमारे पास डीजे। डीजे अगला गाना कौन सा प्ले करेंगे जी? भाई क्या चल रहा है, क्या चल रही है भाई, क्या चल रही है? अच्छा यूनाइटेड का, हाँ हम सपोर्टर हैं। क्या लगता कौन? अच्छा कराची, कराची। ओए होए होए होए, मोए मोए हो रहा है भाई, मोए मोए हो रहा है इस वक्त, और अभी देखते हैं क्या होता है। कराची हार रहा है, बस टूल यहाँ पर रख लिया है, और ये इस वक्त क्राउड जो है ना सुपर चार्ज्ड है। हम इंतजार कर रहे हैं अगले ओवर की ब्रेक का, और उस ब्रेक में हम करने जा रहे हैं वही एक्टिविटी। ओके जी, सो इनिंग्स ब्रेक जो है वो हो चुकी है, मेरे साथ है तलाल। तलाल कैसे हो? ये बड़ा अच्छा बंदा है और ये बहुत अच्छा हमारा साउंड ऑपरेटर भी है, और कमाल किस्म का साउंड ऑपरेट करता है, एंड ही इज द बेस्ट वन। तो भाई जब भी कभी किसी को साउंड वगैरह का भी सीन हो तो वही तलाल से रब्ता करना आप लोगों ने, ठीक है ना? सो विल सी यू। तलाल को इंस्टाग्राम वगैरह में कोई है? इंस्टाग्राम मोहम्मद तलाल, मोहम्मद तलाल भी इंस्टाग्राम में ढूंढ लीजिएगा खुद से ही। ले जी अंदर जा रहे हैं हम लोग, और अंदर जाके कुछ खाते भी थे, डन विल बी राइट बैक इंशाल्लाह। और उसके बाद हम आके आफ्टर द ब्रेक हम शुरू करेंगे आपके साथ मैच को दोबारा से। ओके जी, सो फाइनली लॉबी में आ चुके हैं और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? ये हमारा बहुत प्यारा भाई है भाई, इसको इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देनी है, अपने प्यार देना है। जहाँ भी नजर आई पाकिस्तान में इनू पैजो। थैंक यू बड़ी, थैंक यू। ओके जी, सो वी आर मूविंग इन, और अभी हम आ चुके हैं, ये देखिए लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही खड़ी हुई, ऊपर घूमना चली जाए। चलो जी अभी चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के कुछ ना कुछ हम खाते पीते हैं। यार व्लॉग में इतने स्पेसिफिक टाइम पे अपलोड करता हूँ, वो खैर अपलोड करने से मैं रह गया क्योंकि टाइम काफी आगे चला गया था, तो फिर मुझे अगले दिन के ऊपर जो है व्लॉग को डालना पड़ा। तो खैर सेकंड फ्लोर आगे ऊपर चलते हैं
और अभी हम निकलते हैं वन नेशन वन पैशन। यहाँ पर जनाब होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये इस वक्त हम खाना शाना खाने के लिए आ चुके हैं और मैच टीवी पे चल रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट ये है हमारा जनाब बफे लगा हुआ है यहाँ पे जिसको खा सकते हैं। सो मैंने इसमें से जो है वो लिया है सबसे पहले पालक और इसके बाद हलीम और चावल राइट। सो उसके बाद अभी हमारे ड्रिंक्स भी हैं वी कैन टेक दैट एज वेल लेकिन गला बहुत ख़राब है लेट्स सी। ओके सो वी नीड टू गेट सम कॉफ़ी और गला बिल्कुल बैठा हुआ है सो कॉफ़ी लेते हैं तो उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। पीडिया सेल में इस वक्त लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। ओके जी सो कॉफ़ी इस वक्त आ गई है हम इसको थोड़ा सा इसमें डालेंगे ज़्यादा तो ही करेंगे क्योंकि गर्मी ना उल्टी लगने लग जाए तो इस इसमें डालते हैं चीनी दूध है दूध भी देते हैं। ओके जी सो ये आ गया हमारे सामने एवरीडे बस इतने डालते हैं दैट वुड बी ग्रेट। गर्म पानी ये देखिए कॉफ़ी बनाने का तरीका भी आप लोगों को बता रहा हूँ साथ साथ बस पहले सिर्फ डाल हल्का लेते हैं ऐसे फिर बाद में दूध डालना है फिर बाद में अच्छा जल्दी हल नहीं होती है ना ठीक है अच्छा तो इस वक्त हमारी कॉफ़ी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है ज़्यादा पतली नहीं करेंगे ताकि गले के अंग अंग में जाकर असर करें ले जी वो भी राइट बैक। अब चलते हैं मैदान में और उसके बाद बाकी चीज़ दिखाते हैं। ओके सो लेट्स गो डाउन अभी इस वक्त हमारे फ्लोर पर लिफ्ट आ चुकी है और अभी हम जाएंगे ग्राउंड पे। आप भी ग्राउंड पे जा रहे हो चार अच्छा तो ग्राउंड पे भी चलते हैं और बाकी फिर ग्राउंड में जाके आपको मैच दिखाते हैं। हम लोग चाय शाय पीकर और खाना शाना खाकर आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर ठीक है जी। सो ये विकेट्स पड़ी हुई हैं जो कि अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है। शेरू उदास क्यों हो इतने उदास क्यों हो उदास होके दिखाओ उदास होके ओए होए 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 ओए शेरू उदास है बहुत ज्यादा ओए गिरते कैसे शेरू नीचे हम लुट गए भाई तेरी मोहब्बत में लव यू ऑल लव यू भाई अभी अभी हम आ करवाने लगे आप लोगों के लिए here we go भाई इस वक्त बड़ी को बुरी सूरत हाल चल रही है कराची किंग्स बैक टू बैक आउट हो रहा है भाई अभी मुकाबला करवाने वाले हैं मजर महमूद वालों का और मीरान बख्श वालों का और उसके बाद हम आगे जाएंगे और वहाँ पे यासिर अरफात और मीरान बख्श का तो मैं जो आपको दिखाऊंगा ना वो यासिर अरफात और मीरान बख्श दिखाऊंगा कि ये दोनों पावरफुल जो है ना वो इंक्लूडर्स हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी होती है जो कि हम परफॉर्म कर रहे होते हैं ड्यूरिंग PSL बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। खैर अभी बॉल होने वाली है देखते हैं कि कौन क्या करता है बॉल आपको दिखा नहीं सकते अलाउड नहीं ओह माय गॉड कुछ भी नहीं हुआ तो मुकाबला होने जा रहा है बिटवीन हजर महमूद एंड और मीरान बख्श सबसे पहले हजर महमूद भारे 1 2 3 इनकी सबसे खूबसूरत जगह ये है यहाँ से आपको शीशे से बिल्कुल बाहर ऑडियंस नजर आती है इतनी सारी ऑडियंस है देखिए कितनी प्यारी जगह है। मीरान बख्श प्लेयर 1 2 3 सिचुएशन बड़ी अजीब हो चुकी है इस वक्त अगर आपको दिखाऊं मैं तो 144 और 7 जो है वो आउट हो गए और ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त। उबैद की तस्वीर जो है सामने आ रही है हु इज़ बेसिकली नसीम्स ब्रदर तो ये सीन है इस वक्त। हमारा साउंड बिल्कुल तैयार है हम ब्रेक लेने जा रहे हैं कुछ ही देर में और सिर्फ 4 बॉल्स के बाद हम ब्रेक लेने जा रहे हैं ये देखे ना 4 बॉल्स के बाद हम ब्रेक लेने जा रहे हैं ये चीज़ ये हमारा क्राउड है सर और ये इस वक्त कब थोड़े पहले खेल रहे थे अमाद को
इमाद वसीम को छेड़े थे, बहुत तेज लोग हैं ये। तो उसी के साथ साथ जो है बाकी भी चीज़ें वापस हमें करेंगे, इंजॉय करते थोड़ी देर में। बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा झंडा उसका, कराची किंग्स का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अनस भाई आए हैं। अरे भैया चुप क्यों रहे हो, सुपरस्टार बन गए क्या? आप इतनी देर से लगे हुए मेहनत करने में, हम इधर उधर भाग रहे हैं, अभी आपके पास आए। कैसे हैं आप? आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर दुनिया जो है वो अच्छा बुरी सूरत भागना पड़ रहा है, कोई डांट ढूंढते नहीं पै गई इतना भागना तभी पड़ता आपको? आजकल भागना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। ये तो क्या लगता है कौन जीतेगा आज? मेरे हिसाब से चाहिए कराची को। आप कहते हैं इस्लामाबाद, आप कहते हैं इस्लामाबाद, और आप बराबर का, और आप क्या कहते हैं? इस्लामाबाद। नहीं वैसे तो एक और है, हाँ जीतना चाहिए। कौन? पाकिस्तान। वो तो जीतेगा ही जीतेगा ना, ये तो है, लेकिन टीम्स को सपोर्ट तो करेंगे ना। तो अभी मुझे लगता है कि आज इस्लामाबाद जीतेगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। सिचुएशन जो है ना बड़ी अजीब है, क्योंकि यार आज वैसे इतना अच्छा परफॉर्म हुआ नहीं है। 148 रन इज नॉट अ बिग टारगेट यार, कुछ भी ऐसी चीज नहीं। इस्लामाबाद तो बड़ा स्ट्रांग है ना इस मामले में, तो कराची काफी अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली। अरे भाई कैसा मस्त डांस करते हैं लोग, कमाल किस्म के लोग हैं भाई। ये बिल्ली जो है ना ये बड़ी कोशिश कर रही है कि ये भी मैच देखने के लिए अंदर जा सके। अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो ये देखें आप इसे चेक करें, बिल्ली बिल्कुल तैयार है जाने के, लेकिन गार्ड को देखती है तो पीछे हो जाती है, क्योंकि पता है इसको कि सिक्योरिटी टाइट अभी। ये देख रहे वापिस आ गए, ये भाई बूट देखिए बाइक टू बाइक। इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन एक बार शोर मचाने, कम ऑन भाई। दुविधा में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रही है अरे कौन जीतने वाला है। इस्लामाबाद जो है ना वो भाई धड़ाधड़ कमाल करी जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत परेशानी, बहुत परेशान। ओके जी, सो इस वक्त ना हम लोग आए हैं आफ्टर द मैच, ऊपर हम आए थे मीडिया गैलरी में। सो मेरे साथ अली रजा, मैंने अली रजा से कहा है, मैंने ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं ना उस लड़के से मिलना चाहता हूँ जो कि पीएसएल को होस्ट कर रहा है। अली कैसे मिलूंगा मैं उसे? अली को मिलवा दे यार, वो बंदा मिल नहीं रहा। इसको कह रहा है मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे होता बंदा, इसको नहीं पता इस बारे में। अली क्या करे? अरे मुझे नहीं मालूम। अली मैं मिलना चाहता हूँ, कोई तरीका बता। इसने कहा है असी लब लांगे, कहाँ पे हो? कोई देखा नहीं तुमने इसको? करता कैसे शो? अच्छा करता कि नहीं? अच्छा करता है। क्या करें यार, बड़ा मसला हो गया। right, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल नहीं भूलना, कुछ क्योंकि इसके अलावा पीएसएल से हटकर बहुत कुछ हो रहा है जो कि होने जा रहा है। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।